अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे पब्लिक न्यूज़ लाइव, में आपका मेज़बान मौलवी मुजाहिद। आइए आज की खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आज की खबर हिंडन सिटी से आ रही है। हिंडन सिटी के ईदगाह गेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गुस्ता के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलऊन और इबलीस नरसिंहानंद सरस्वती का पुतला जलाकर विरोध किया गया और मुसलमानों ने सबूत दिया कि जब भी कोई भी शख्स गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। इस सुनहर है मौके पर जमीयत उलमा हिंडन सिटी के सदर हाफिज़ बाबुद्दीन साहब ने बताया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शांति और अमन का पैगाम लेकर आए थे, उनके ख़िलाफ़ बोलने वाले को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह चेयरमैन नफीज़ अहमद साहब ने यह भी बताया कि नफरत की शिक्षा और सबक देने वाला कभी भी संत और गुरु नहीं बन सकता। इसे जितने भी उलमा मौजूद थे तमाम ने यही मशवरा यही राय दी कि इस तरह गुस्ताख करने वाले को अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम आपको तमाम वीडियो बताते चलते हैं। कभी आवाज हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के।